आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अर्जुन और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हमारा आस्था मोटर्स लोसल। इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये पिकअप गाड़ी है 2018 मॉडल। इसमें हमने डेंटिंग पेंटिंग का काम किया है, साथ में इसके पीछे का जो डाला है उसका भी कंप्लीट काम हुआ है। तो एक बार दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हमारे पास ये गाड़ी आई उस टाइम इस गाड़ी की कंडीशन क्या थी। तो देखते रहिए आप हमारा वीडियो। तो अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं फ्रंट से गाड़ी तैयार होने के बाद में, आपको गाड़ी कैसी लगी तैयार होने के बाद में अपना कमेंट ज़रूर दें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इधर अपन लेफ़्ट साइड की प्रोफाइल की बात करें तो आपने जैसा कि देखा कि इसका मडगार्ड फेंडर है वो बहुत ही ज़्यादा रस्टिंग खाया हुआ था, इसके बाद में एकदम क्लियर हो चुका है। आराम से देखिए आप पूरा एकदम कलर की आप शाइनिंग देखिए एक बार, क्या गाड़ी के कलर में चमक है। इधर व्हील आर्ट्स भी इसमें नया लगा है, ये आप साइड से यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पीछे का डाला पेंट होने के बाद में बहुत ही सुंदर इस पर डिज़ाइन भी बनाई गई है फूलों की है। अब चलते हैं और देखते हैं अपन पीछे से गाड़ी को। तो दोस्तों ये देखिए आप पीछे का व्यू, पीछे का व्यू भी मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार लग रहा है। यदि आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब अपन बात करेंगे राइट साइड की। तो दोस्तों आप राइट साइड से भी देख पा रहे हो कि इसका राइट साइड का भी फेंडर है वो जंग लगा हुआ था उस टाइम, लेकिन अब एकदम शानदार तरीके से गाड़ी कंप्लीट तैयार हो चुकी है। पूरा देखिए आप राइट साइड से। और इस गाड़ी का मैं आपको बता दूं अपने वर्कशॉप में क्या क्या काम हुआ है। इसमें गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग का, मैकेनिकली टायर आयरन एंड वगैरह है, चोकर गुटका है, शाफ्ट के क्रॉस वगैरह हैं, चक्का ग्रीसिंग है, फुल सर्विस है, क्लच सेट है। इसके साथ साथ हमने इसमें म्यूजिक सिस्टम भी यहीं पे लगाया है। यदि आपको अपनी गाड़ी का किसी भी प्रकार का अलाइनमेंट, डेंटिंग पेंटिंग, मैकेनिकली इंजन गियर वर्क कोई भी काम करवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हो आस्था अलाइनमेंट डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप लोसल। और हमारे सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।